हे गाइस एंड वेलकम टू दी 33 एपिसोड ऑफ सुपर न्यूज़, जहां आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की सारी खबरों के बारे में। तो क्या है वो सारी डिटेल, चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। इंट्रो से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। स्पाइडरमैन के क्रिएटर यानी कि स्टैन ली ने एक इंडियन सुपर हीरो भी बनाया है जिसका नाम है द चक्रा। वेल, अब इसके राइट्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्राफिक इंडिया नाम की कंपनी के पास है और उन्होंने कुछ ही महीनों पहले द चक्रा का ऑफिशियल 3D मॉडल रिलीज़ किया था, जिसके बाद मानो इंडियन सुपर हीरो फैंस में धूम मच गई थी। वेल, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि द ग्राफिक इंडिया इस पर एक वेब सीरीज लाने वाला है। इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट्स में बताओ। जय हिंद। सो दोस्तों, रिसेंटली ही शमशेरा का टीज़र रिलीज़ किया गया और इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया था वो काफ़ी कमाल का था। अब ज़रा सोचो, जब इतने अच्छे अच्छे स्टार कास्ट इंडिया में हैं, वहीं पर रणबीर कपूर साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म भी कर रहे हैं और इतनी बड़ी बजट की फिल्म है वो, तो अब सोचो अगर कोई और डायरेक्टर उस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो वो बना सकता है या नहीं। हाँ, इसका जवाब हाँ होगा। तो क्यों अपने इंडियन क्रिएटर सुपर हीरो मूवीज़ बनाने से डरते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों, 10 फरवरी 2022 को शक्तिमान की मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। उसी पर तमराज किलवेश यानी कि हमारे सुरेंद्र पाल ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने बताया कि शक्तिमान के टीवी सीरियल में काम करना उनके लिए काफ़ी सौभाग्य की बात थी। और हाँ, गीता विश्वास का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस ने भी बताया कि शक्तिमान एक कॉमिक कल्ट था और इस पर आगे जाके कॉमिक सीरीज़ बनाई गई, एनिमेशन सीरीज़ भी बनाई गई। बस अब बॉलीवुड फिल्म की देरी थी, अब वो भी सोनी इंटरनेशनल पिक्चर्स पूरी कर रहे हैं। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन, जिन्हें हम दी रॉक के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने DC के फ्यूचर के बारे में बहुत फिल्मों के टीजर्स दिखाए। उसी में एक टीजर था द ब्लैक एडम फिल्म का और इसमें खुद द रॉक ब्लैक एडम का रोल प्ले कर रहे हैं और इसमें काफ़ी दमदार टीजर है। ये छोटे से टीजर में उन्होंने बता दिया कि क्यों ब्लैक एडम पे वो पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे थे। इस टीज़र ने उस 10 सालों का वजन संभाल लिया। टीज़र कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताऊं। दोस्तों, अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ के फ़ैन हो और अगर आप YouTube यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे कम्युनिटी के चैनल देसी नर्ड ने एक वीडियो अपलोड करी थी। वेल, अमेश भाई की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्होंने उस वीडियो में अपने शक्तिमान के थॉट्स रखे थे कि बॉलीवुड में कौन सा एक्टर शक्तिमान को प्ले कर सकता है आज के टाइम पर। वेल, तो आपको अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो को जाके देखो, आपको उसमें एक छोटा सा सरप्राइज़ मिलेगा और वो सरप्राइज़ क्या है मैं नहीं बताऊंगा। आप नोटिस करो और वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे आके बताना क्या था। वेल, ये भी काफ़ी ठंडा रहा है न्यूज़ को लेकर, इसीलिए आज के लिए इतना ही अपडेट है। वेल, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शक्तिमान वाली वीडियो के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें और सुपर न्यूज़ के 32 एपिसोड को देखने के लिए राइट वाली वीडियो देखें। तब तक के लिए जय हिंद।